हे गोतिलो तमे गोतिलो 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 तमे गोतिलो गोतिलो तू अही नथी जे मजामा खाली बावटा तजामा एवो हाडीनो प्रवासी गोतिलो। 2014 से पहले की है जब यहाँ पे मोदी साहब मुख्यमंत्री थे और मेरी उम्र थी शायद 18-19 साल। गाने का शौक था पहले से, तो बहुत सारे रियलिटी शोज में मैं पार्ट लेता था। उस दिन मुझे याद है हमारे मुख्यमंत्री है ये मैं जानता था और उनके काम के बारे में मैं जानता था, लेकिन मैं मिला नहीं था। हमारा कार्यक्रम चल रहा था, मोदी जी आए और जिस तरह से वो आते हैं और लोग उनको तालियां होती है, मोदी मोदी होता है, वो सब हुआ। और हमारा शो जैसे ही ख़त्म हुआ तो मेरे पापा ने कहा कि तुझे मिलना है मोदी जी से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैं मेंटली ऐसा प्रिपेयर कर रहा था कि मुझे अपना परिचय देना होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जैसे ही स्टेज पे गया और मैं उनके पास आया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और हाथ आगे बढ़ा के कहा शू छे बेटम जी। तुरंत ही उन्होंने कहा कि तै तो भाई झंडो फहराई दी तो गुजरात नो बने जा के नहीं ला। उनकी एक फनी स्टाइल में उन्होंने कहा कि पढ़ता है कि नहीं। उनका एक एक एम है, एक ध्येय है कि भारत को एक एक स्थान उन्हें दिलाना है। अगर कोई व्यक्तित्व आज के ज़माने में है तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं दो लाइन गाना चाहूँगा इसकी। किनारे तो खाली पड़े नानी नानी पगली ने नाना एवा सप नानी रेत माड़े ढगली ने तूफानो तराप मारे हले साओ हाँफी जाए तोय जेनी हिम्मत अने हाम नहीं हाँफे एवो खारवो खलासी एवो हाडनो प्रवासी एवो खारवो खलासी एवो हाडनो प्रवासी गोतिलो 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 गोतिलो। तो ये जो विजन उनके पास है वो बहुत बढ़िया है कि रण तो है चलिए क्या करेंगे, लेकिन वो रणोत्सव शुरू करना, लोग पूरे भारत में से पूरे विश्व में से वहाँ आए और कच्छ के साथ जुड़े, कच्छ की संस्कृति के साथ जुड़े। मोदी जी का ये जो थॉट है रण उत्सव का और रण को हाईलाइट करने का, ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना फोर्स है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा। मेरे पास मेरा संगीत था तो मैंने अपने संगीत के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत को इस नारे को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आओ बनाए एक भारत, आओ बनाए श्रेष्ठ भारत, आओ बनाए एक भारत।